कि सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप और मर्डर केस की सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी, साथ ही घटना के बाद अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस से भी रिपोर्ट तलब की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मंगलवार को नेशनल टास्क फोर्स भी बनाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स से अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने में अंतिम रिपोर्ट देने को कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में देश भर के डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की थी। हालांकि डॉक्टरों की हड़ताल अभी भी जारी है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आज की सुनवाई। आज भी सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें हैं। कोलकाता रेप और मर्डर के केस में आज सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, ये देखना होगा। हालांकि सीबीआई से एक रिपोर्ट मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अब तक क्या कुछ हुआ है ये विस्तार से जानकारी दें। तो दूसरी तरफ पुलिस से भी ये कहा गया था कि जिस दिन तोड़फोड़ की गई उस वक्त पुलिस कहां थी और क्या इसकी कोई जानकारी पुलिस को नहीं थी, और तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो भी तलब की गई है पुलिस से कोलकाता की। हालांकि आज भी सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी क्योंकि कोलकाता कांड की सुनवाई आज होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड दौरे पर हैं। कल शाम पीएम मोदी पोलैंड की राजधानी वॉर्सो पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के स्वागत में डांडिया भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आपने यहां इतना शानदार स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पोलैंड भारत के सनातन भाव का साक्षी है। पिछले 1 हफ्ते से भारत की मीडिया में आप लोग छाए हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। हमें गर्व है कि दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रहा है। तो देखिए सेल्फी लेते हुए तमाम जो भारतीय नागरिक है पोलैंड में वो नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, और छोटे बच्चे को दुलारते पुचकारते नजर आ रहे हैं पीएम। यहाँ एक छोटा सा बच्चा पोलैंड का जिसने बुके दिया है प्रधानमंत्री को, और नन्ही सी बच्ची हाईफाई देते हुए भी प्रधानमंत्री को नजर आ रही है। और हर कोई चाहता है कि भारत के प्रधानमंत्री है तो एक सेल्फी तो बनता ही है। गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। हमारे लिए ये जियोपॉलिटिक्स का नहीं है, बल्कि संस्कारों का, वैल्यूज का विषय है। जिनको कहीं जगह नहीं मिली उनको भारत ने अपने दिल और अपनी जमीन दोनों जगह स्थान दिया है। पोलैंड तो भारत के इस सनातन भाव का साक्षी रहा है, और मीडिया में बताया जा रहा है कि 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसीब में ही है। और अब खबर आगर मालवा से है। यहां 800 बीघा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। 800 बीघा गोचर भूमि कराई गई है मुक्त। सेमलखेड़ी में चारागाह कराया गया है मुक्त। खड़ी फसल पर गाय छोड़ी गई। एसडीएम मिलिंद ढोके, एसीईओ जितेंद्र सेंगर सहित पुलिस बल मौजूद रहा। रायसेन के जिला अस्पताल में मरीज गर्मी से परेशान है। अस्पताल में पंखा है लेकिन ये शोपीस बनकर रह गया है।
मरीज के परिजन हाथ से पंखा करते दिख रहे हैं। गर्मी और उमस से मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। करोड़ों की लागत से अस्पताल की बिल्डिंग बनी, लेकिन बिल्डिंग में लगा पंखा काम नहीं कर रहा है। और ऐसे में देखिए लोग कितने परेशान हैं। मरीज जो यहाँ पर इलाज के बाद आते हैं, सोचिए कितने हैवी डोज की दवाइयों को लेने के बाद गर्मी होती है, पर यहाँ पर पंखा एक शोपीस बना हुआ है, काम नहीं करता है और हाथ से पंखा करने को मजबूर है, हाथ से हवा करने को मजबूर है यहाँ पर परिजन। और अब बात भिलाई की करेंगे, जहां एक घर के बोर से खौलता हुआ पानी निकल रहा है। बारिश के मौसम में भी इतना गर्म पानी निकलने के चलते परिवार के लोग हैरान हैं। आसपास के लोग भी इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि पानी इतना गर्म रहता है उसमें चावल भी पक जाए। ये बोर वार्ड 38 शहीद वीर नारायण वार्ड में प्रेमा देवी के घर में है। प्रेमा देवी ने बताया है कि 28 साल पहले ये बोर कराया गया था। इतने सालों तक इसमें कभी गर्म पानी नहीं आया और पिछले 15 दिनों से इसमें खौलता हुआ पानी निकल रहा है। जब बोर से देखे पानी पूरा तो बोले एकदम बोले ये तो भाप निकल रहा है पानी से, सही बात है। तो ये हुआ दो चार दिन में, एक आध दो दिन में ऐसे ठीक हो जाएगा। बाकी तो फिर बोले कि देखो अच्छा दो चार दिन हो गया, अब दो चार दिन बाद अगल बगल वाले लोग को भी बताया गया कि उबला पानी निकल रहा है भाप जैसे। उमा जी और शिव का स्थान रहा है शुरू से हमारे घर में, इनकी पूजा पाठ होते रही है। देवी शक्ति से इनकार तो नहीं करेंगे? नहीं, इनकार तो नहीं किया जा सकता है। देखिए साइंस का भी जमाना और देवी शक्ति दोनों चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता है, बाकी जांच के बाद ही सामने आएगा जो चीज। अगर ये जियोजेनिक एक्टिविटी है तो चूंकि हमारा जो ये इलाका है वो लाइमस्टोन बेल्ट पे पड़ता है, तो हो सकता है कि लाइमस्टोन के कारण कभी कभी वहाँ लाइमस्टोन में कुछ कुछ कैल्शियम के लिए लेंसेज बनते हैं। अगर वो पानी उससे इनकाउंटर होकर के आ रही है तो वो पानी को गर्म करेगी। धार जिले के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है और तेज बारिश होने से कई इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाग गांव में सड़कों पर पानी भर चुका है। भारी बारिश के चलते एक मकान की दीवार तक गिर गई है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है कि फिलहाल क्या हालात हैं और हल्की सी बारिश से कैसे इतर-बतर पूरा इलाका हो जाता है, जिसकी वजह से आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, आना जाना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए और यहाँ पर लगातार जलजमाव की स्थितियां बनी हुई हैं। खरगोन में भगवान सिद्धनाथ महादेव का शिव डोला निकाला गया, जिसमें कि बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। चल समारोह में भगवान भोलेनाथ के प्रति भक्तों की जमकर आस्था दिखाई दी है। इस बार करीब 3 लाख श्रद्धालु शिव डोले में शामिल हुए। भगवान भोलेनाथ के भजनों पर युवक युवती थिरकते नजर आए। शिव डोले में शामिल झांकियां श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र बनी रही। शिव डोले में 21 झांकियां, 15 नृत्य दल और 10 ढोल ताशा और नगाड़ा पार्टी शामिल हुई। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।